अभी दोस्तों हमारा बल्ब ऑन है, और अगर मैं आउटपुट को यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ तो आप देखिएगा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा जो बल्ब है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पर लोड को कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये जो सर्किट है ये कट ऑफ हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरु जी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जो कि दोस्तों हो सकता है आपने पहले ना देखा हो, और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो भी 12 वोल्ट की SMPS का यूज़ करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है गाइज़, यहाँ पर मैंने कम्प्लीट कर रखा है, तो इस वीडियो के अंदर आपको सभी इसके टेस्टिंग और साथ ही दोस्तों इसे कैसे बनाना है मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। अगर आप चाहें दोस्तों तो इस सर्किट को घर पर 0 PCB पर भी बना सकते हैं, या फिर आप मेरी ही तरह इसे स्केलेटन मोड में भी बना सकते हो अगर आप इस प्रकार से किसी प्रोजेक्ट में इसे दिखाना चाहते हैं। जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो ये 100% ओरिजिनल और टेस्टेड है और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इसे टेस्ट करना भी बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे चैनल की और भी लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकेंगे। तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों बिना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चेक कर लेते हैं कि कैसे हम इस सर्किट को बनाएंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक रिले, यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक 12 वोल्ट का रिले है, आप सभी देख सकते हो। और साथ ही गाइज यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने दोस्तों जो भी पार्ट्स का यूज़ करा है उन सभी का जो लिस्ट है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे गाइज मैं आपको इसे स्केलेटन मोड में बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि गाइज अगर मैं PCB बोर्ड पर इस सर्किट को बनाता हूँ तो काफ़ी सारे भाइयों को PCB बोर्ड में समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से इसे मैं एक प्रोजेक्ट मेथड यानी कि स्केलेटन मोड में इसे बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं एक बेस का यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा एक MDF बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने व्हाइट पेपर लगाया हुआ है, तो सिंपली दोस्तों यहां पे मैं इसे इस तरह से स्टिक कर दूंगा डबल टेप का यूज करके। आप यहां पर ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर इसे स्टिक कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने डबल टेप की मदद से यहां पे रिले को फिक्स कर दिया है। इसके बाद गाइज अब हमें चाहिए होगी एक रेड LED और एक ग्रीन LED। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं गाइज ये मेरे पास 2 LED हैं, आप यहाँ पर किसी भी कलर की LED का यूज़ कर सकते हो। हमें दोनों LEDs की जो पॉजिटिव लेग है उसे एक साथ कनेक्ट कर देना है, और वहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है एक 1 kΩ की रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक 1 kΩ की रेजिस्टेंस हमें चाहिए, आप यहाँ पर इसका कलर कोड देख सकते हो। तो गाइज आप सभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसे बना लिया है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों LEDs की जो पॉजिटिव लेग है उसे कनेक्ट कर दिया है, और वहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है जो कि हमारी 1 kΩ की रेजिस्टेंस है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। जो रेड वाली LED का नेगेटिव लेग है इसे हमें कनेक्ट कर देना है, NC पिन के साथ कनेक्ट कर देना है रिले की, और जो हमारी ग्रीन LED का निगेटिव पिन है इसे हमें कनेक्ट कर देना है NO पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसे इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप सभी देख सकते हो मैंने यहाँ पर LEDs को और रेजिस्टेंस को किस प्रकार से कनेक्ट करा है। इसके बाद गाइज अब हमें चाहिए होगा एक 10 kΩ का पोटेंशियोमीटर, आप यहाँ पर प्रीसेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 10 kΩ का पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसके साथ गाइज हमें चाहिए होगा एक NPN ट्रांजिस्टर जो कि है हमारा BC547, आप यहाँ पर 548 का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा BC547 का ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे गाइज हमें कुछ इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के पिंस को ऐसे ओपन कर लेना है, और इसके साथ दोस्तों हमें इस पोटेंशियोमीटर पर इसे इस तरह से कनेक्ट कर देना है तीनों लेग्स को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसे सोल्डर कर लेता हूँ। मैंने ट्रांजिस्टर को इस पोटेंशियोमीटर पर कनेक्ट कर दिया है।
दो वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे इस पोटेंशियोमीटर के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं वायर्स को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को बेस पर यहाँ पर डबल टेप की मदद से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से लगा देता हूँ। इसके बाद गाइज अब हम यहाँ पर इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देंगे, हमारी रिले की एक कॉइल पिन पर और दूसरी हमारी एनो पिन पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे गाइज आप वायर के कनेक्शंस देख सकते हैं हमने किस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन करा है। इसके बाद गाइज हमें चाहिए एक पुश स्विच, तो यहाँ पे मैं एक स्विच को ले लेता हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही इसके साथ वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे हम इसे भी डबल टेप की मदद से फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर इसके कनेक्शन करने हैं। एक वायर है इसे हमें कॉमन पिन के साथ रिले की कनेक्ट कर देना है और जो दूसरा वायर है इसे हमें कनेक्ट कर देना है यहाँ पर कॉइल पिन पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। आप गाइज आप देख सकते हैं कनेक्शंस को, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वायर्स को एडजस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो गाइज। इसके बाद गाइज अब हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे हमारे इनपुट और आउटपुट के। तो यहाँ पे गाइज हमें चाहिए होंगे दो टर्मिनल ब्लॉक, आप यहाँ पर डायरेक्ट वायर्स के भी कनेक्शन कर सकते हो। हम यहाँ पर इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे और दूसरे को दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसे भी कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद गाइज अब हम यहाँ पर इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा इनपुट का है, तो यहाँ पे हमें जो इनपुट के कनेक्शन है वो इस प्रकार से करने हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हो ये जो हमारा निगेटिव वायर है इसे कनेक्ट करना है हमें यहाँ पर रिले की कॉमन पिन के साथ, और जो हमारे ये रेड वाला वायर है जो कि हमारा इनपुट का है इसे हमें कनेक्ट कर देना है कॉइल पिन पर जो कि हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले से ही कनेक्टेड है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं कनेक्शंस को कर लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट के कनेक्शन हो गए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमें आउटपुट के भी कनेक्शन करने हैं। तो जो हमारा आउटपुट का निगेटिव वायर है दोस्तों इसे हमें कनेक्ट कर देना है हमारी रिले की एनो पिन पर जो कि हमारी ग्रीन एलईडी के निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और जो हमारा पॉजिटिव है दोस्तों इसे हमें कॉमन यहाँ पर ही कनेक्ट कर देना है इनपुट की जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है इस यहाँ पर। तो यहाँ पे गाइज आप कनेक्शंस को देख सकते हो मैंने किस प्रकार से कनेक्शन करे हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। गाइज यहाँ पे मैं आपको इसे आप टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम नॉब लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक नॉब है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे गाइज हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं 14.5 वोल्ट की SMPS का यूज़ कर रहा हूँ जिसे मैंने पहले ही मॉडिफाई करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज आप सभी देख सकते हो ये है हमारा जो SMPS है इसे मैंने मॉडिफाई करा था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको वीडियो का थंबनेल शो हो रहा होगा, और साथ ही दोस्तों वीडियो को मैंने यहाँ पर आई बटन में भी दे दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, और साथ ही गाइज यहाँ पर इसमें हम आउटपुट के लिए लोड जो कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मेरे पास कुछ इस प्रकार से 12 वोल्ट के बल्ब हैं, आप देख सकते हैं 1 एम्पियर से लेकर 1.5 एम्पियर तक का लोड कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं इसका ही यूज़ करके आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बल्ब कनेक्ट करके दिखाऊँगा।
तो गाइज इस प्रकार के बल्ब में हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना होता है, तो आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पर कोई भी पोलैरिटी लोड का कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं आपको। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट में हमारे इस बल्ब को। तो यहाँ पे गाइज मैंने आउटपुट में बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद गाइज अब हम यहाँ पर इनपुट में दो वायर्स के कनेक्शन करेंगे, तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं गाइज। और यहाँ पे मैंने दो पीस वायर ले लिए हैं, तो इसे हम कनेक्ट कर देंगे इनपुट में। तो यहाँ पे गाइज हमने इनपुट और आउटपुट में कनेक्शन कर दिए हैं, आप देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैंने SMPS को ऑन कर दिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैंने मल्टीमीटर ले लिया है और इसको 20 वोल्ट पर सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इनपुट की वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14.5 वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। अब हम मीटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अब मैं इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम इनपुट में इसे कनेक्ट कर देंगे, रेड पर हम रेड कनेक्ट करेंगे और ब्लैक पर ब्लैक। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख सकते हो यहाँ पर हमारी रेड कलर की जो LED है वो ऑन हो चुकी है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं गाइज। इसके बाद गाइज जैसे ही हम यहाँ पर इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो हमारी रेड LED है ये ऑफ हो जाएगी और जो हमारी ग्रीन LED है ये ऑन हो जाएगी और साथ ही हमारा लोड भी आउटपुट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज हमारा लोड भी ऑन हो चुका है और हमारा यहाँ पर ग्रीन LED ऑन हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बल्ब आउटपुट दे रहा है, वो भी फुल ब्राइटनेस के साथ। इसके बाद गाइज अब यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर का वर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज इससे हम करंट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर जो हमारा आउटपुट में करंट है वो मैं आपको पहले मेज़र करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट में हमें कितनी करंट मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद गाइज हम अपना मल्टीमीटर लेंगे और यहाँ पर मल्टीमीटर में मैं कनेक्ट कर दूँगा सबसे पहले इसे एम्पियर पर। इसके बाद गाइज यहाँ पर मीटर को 10 एम्पियर पर सेलेक्ट कर देंगे और इसे यहाँ पर इस प्रकार से हम रख देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर हम जो आउटपुट में लोड है इसे कनेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर गाइज एक वायर को मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा नेगेटिव पिन से। ने आउटपुट का जो निगेटिव है इसे डिस्कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हम मीटर का जो निगेटिव प्रॉब है इसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस प्रकार से इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे गाइज मैंने इस प्रकार से मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया है निगेटिव पिन को, आप देख सकते हो। इसके बाद गाइज ये जो हमारा लोड का निगेटिव है इसे हमें कनेक्ट कर देना है हमारे मल्टीमीटर का जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव लीड है, आप देख सकते हो इसके साथ। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे कनेक्ट करूँगा इस प्रकार से, मैं आपको टच करके दिखाने वाला हूँ। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस सर्किट को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी रेड LED ऑन हो गई है। अब हम यहाँ पर इसे ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रीन LED जो है वो भी ऑन हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको करंट यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, तो मीटर में आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हमारा 1.6 यानी कि अप्रॉक्स 1600 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो लोड है वो 1.5 एम्पियर से भी ज़्यादा का करंट आउटपुट में ले रहा है। इसके बाद गाइज अगर हम यहाँ पर दो लोड को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा सर्किट है दोस्तों ये कट ऑफ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम दो लोड को कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा बल्ब भी ले लेता हूँ और सेम इसी प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे। जो हमारा आउटपुट है दोस्तों इसे हमें एक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। मैंने दोनों बल्ब के जो एक वायर्स हैं उन्हें एक साथ कनेक्ट कर दिया है और जो दूसरे वायर है इसे हम यहाँ पर एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अगर दोस्तों मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमें दोनों बल्ब को एक साथ पैरेलल कनेक्ट कर देना है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे दोस्तों इस सर्किट को फिर से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा दोनों वायर्स है इसे हम एक बार फिर से कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। इसके बाद गाइज अब हम यहाँ पर मीटर में चेक करते हैं कि क्या हमारे जो दोनों बल्ब हैं वो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, और अगर दोस्तों ये दोनों वर्क करते हैं तो कितना आउटपुट में करंट हमें मिलेगा। तो फिर से हम मल्टीमीटर को यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ पर हमारा 2.9 एम्पियर तक जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों जो हमारा आउटपुट में 3 एम्पियर तक की करंट यहाँ पर ये सर्किट हमारा प्रोवाइड कर दे रहा है। इसके बाद गाइज अगर हम यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर को चेंज करते हैं यानी कि इसकी सेटिंग को चेंज कर देंगे तो हमारा जो करंट है दोस्तों वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसे एंटी क्लॉक वाइज पूरा फुल कर दिया है, अब हम यहाँ पर फिर से चेक करते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो ये दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको इसका करंट लिमिटेशन सेट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे मल्टीमीटर से। और यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को साइड में रख देता हूँ। इसके बाद गाइज अब हम यहाँ पर दोनों बल्ब को एक साथ टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम करंट लिमिटेशन कैसे करेंगे आप वो देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसे ऑफ कर देते हैं, इसके बाद हम फिर से इसे ऑन कर देंगे। और गाइज यहाँ पर मैं जैसे कि आपको पहले दिखाया था यहाँ पर सिंगल बल्ब हमने जब चेक करा था दोस्तों तो ये हमारा जो बल्ब है अच्छी तरह से वर्क कर रहा था इस सर्किट से। अब यहाँ पे मैंने दो बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर इसका जो पोटेंशियोमीटर है इसे रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर हमारी करंट लिमिटेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सिंगल लोड को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिर से वायर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लोड को कनेक्ट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप सभी देखिएगा यहाँ पे मैंने एक लोड को अभी कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर इसे हम ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर जो हमारा एक लोड है ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे गाइज मैं इस लोड को कनेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्शन किस प्रकार से करे हैं, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइज पॉजिटिव में हमारे दो बल्ब के कनेक्शन आ रहे हैं और नेगेटिव में सिर्फ एक ही बल्ब का कनेक्शन है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारा एक बल्ब का कनेक्शन पूरा है और एक बल्ब का जो हमारा कनेक्शन है दोस्तों अभी हमारा पूरा नहीं है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बल्ब का लोड टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर फिर से मैं दोस्तों इस सर्किट को ऑन करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा एक बल्ब ऑन है और ये जो हमारा डिस्कनेक्ट है बल्ब ये अभी ऑन नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दूंगा तो दोस्तों अभी हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हमारा जो बल्ब है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो गाइज जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारे दोनों बल्ब अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर करंट को लिमिट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक को ही ऑन करूँगा और दूसरे बल्ब को ऑफ कर दूँगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी करंट की लिमिट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियोमीटर को क्लॉक वाइज टर्न करना है और इसे दोस्तों हमें मिडल में ले आना है। इसके बाद गाइज अब हम फिर से इसे ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इसे ऑन कर देंगे गाइज। और यहाँ पर जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं गाइज इसके बाद अगर हम यहाँ पर लोड को कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये जो सर्किट है ये कट ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो तो आप देख सकते हैं गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पर लोड को कनेक्ट करा ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया आप देख सकते हैं। तो गाइज अभी आप यहाँ पर वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि अभी एक और फीचर इसका बाकी है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कराया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइज अब हम यहाँ पर इसे चेक करते हैं। तो फिर से मैं इसे ऑन करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक बल्ब ऑन है और दूसरा बल्ब ऑफ है। जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पर इसे फिर से कनेक्ट करूँगा तो ये हमारा कट ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइज ये हमारा सर्किट कट ऑफ हो गया। तो दोस्तों ये है हमारा एक ओवरलोड प्रोटेक्शन का सर्किट और साथ ही दोस्तों ये हमारा एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंगल लोड को पहले कनेक्ट करके देखते हैं।
तो यहाँ से मैंने दोस्तों दूसरा बल्ब हटा दिया है, तो यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पर सिंगल लोड को ही हम कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज अब हम यहाँ पर इसे ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी दोस्तों हमारा बल्ब ऑन है। और अगर मैं आउटपुट को यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ तो आप देखिएगा, तो आपने देखा गाइज जैसे ही ये हमारा आउटपुट शॉर्ट होता है तो हमारा जो रेड बल्ब है वो ऑन हो जाता है, आप देख सकते हो गाइज, और जो ग्रीन है वो ऑफ़ हो जाएगी। इसके बाद मैं फिर से इसे ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो लोड आउटपुट में आ चुका है। अगर हम यहाँ से भी इसे ऑफ़ करते हैं यानी शॉर्ट सर्किट करते हैं आउटपुट को, तो आप देख सकते हैं तो गाइज़ यहाँ पर ये ऑफ़ हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही स्मार्ट सर्किट है और आप इसे अपने SMPS को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे गाइज़ आपके साथ एक और नए वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।